हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू आई एम प्रदीप शर्मा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस मींस द ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट एबल टू प्रिपेयर द फूड देम यानी वो अपनी बॉडी के अंदर फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं ऐसे जो एनिमल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स अब हेटोटॉपिक जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को कैसे लेते हैं है ना जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी फूड सोर्स है वो स्टेशनरी भी हो सकता है जैसे ग्रास है ठीक है मोबाइल भी हो सकता है जैसे डियर है लोयन जो है उसके लिए फूड द डियर तो ये क्या है मोबाइल है और जबकि ग्रास क्या है स्टेशनरी है फिक्स है तो उनका लेने का जो मेथड होता है वो भी क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है ठीक है इज दीजिए रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाई विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाई द ऑर्गेनिज्म फूड को लेने का और यूज करने का जो मेथड होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे अपन बात करते हैं सेफ्रोफाइट्स की बात करते हैं आपने नाम सुना होगा सेफ्रोफाइट्स सेफ्रोफाइट्स जो होते हैं स्पेशली इसके अंदर आपकी फंगाई आती है वो क्या करते हैं फूड को बाहर ही क्या कर देते हैं डाइजेस्ट कर देते हैं बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं उनको डाइजेस्टिव एंज सिक्रिएट करते हैं और, करते हैं और उ, उस उस फूड को क्या कर देंगे वो डाइजेस्ट कर देंगे उस स्मॉलर कंपोनेंट के अंदर जूसेबल फॉर्म्स के अंदर वो बना देंगे उसको और फिर डायरेक्टली वो अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेंगे उसको सक कर लेंगे दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड सेफ्रोफाइट्स ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको अपन सेफ्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं स्पेशली इसमें अपनी फंगाई आती है मॉल यीस्ट मशरूम ये सारे इसके अंदर आते हैं समझ में आएगी बात कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं उनको किल नहीं करते हैं वो क्या करते हैं उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं या बॉडी की सरफेस के ऊपर रहते हैं है ना और वहाँ से वो क्या करते हैं न्यूट्रिशंस लेते हैं दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट और जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं उसको क्या कहते हैं हॉस्ट कहते हैं और दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशंस कहलाता है समझ आएगी मेरे पार? आपका प्लांट के अंदर ये अपनी बात करें तो कैस्कूटा अमरबेल आपने सिक्स सेवन क्लास के अंदर पढ़ा होगा टिक्स हैं लाइस हैं लीचिज हैं टेफोरम जो हैं है ना सोलियम है ये सारे के सारे क्या करते हैं बॉडी के अंदर बॉडी से न्यूट्रिशंस लेते हैं इनमें इनको भी अपन दो कैटे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एक होता है एक्टोपैरासाइट और सेकंड होता है एंडोपैरासाइट एक्टोपेरासाइट होते हैं जो बॉडी से के बाहर से अपन न्यूट्रिशंस लेते हैं लाइक टिक्स एंड लाइस है ना लीचिज और एंडोपेरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से वो न्यूट्रिशन ऐसे लेते हैं लाइक आपका टेफ्रम जो इंसेक्ट होते हैं वॉम्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं ठीक है तो ये दो टाइप के पैरासाइट होते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो होता है जो होस्ट होता है उसको किल नहीं करते हैं है ना लेकिन नुकसान पहुँचाते हैं तो ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आप उनको देखने को मिलता है अब अपन बात करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑप्टेन देयर न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑप्टेन डिफर द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म है ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सबका क्या होगा अलग अलग होगा इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस जो सिंगल यूनि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक ही सेल्स होती है तो सारा फंक्शन वो क्या करती है वही करती है तो वो सरफेस से भी न्यूट्रिशंस ले सकते हैं बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी यानी यूनीलुलर से अपने मल्टी सेलूलर की तरफ मूव करेंगे डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेश टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शंस होता है यानी डिवीजन ऑफ लेबर्स होता है जैसा अपने नाइन्थ क्लास के अंदर टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था फॉर एग्जाम्पल अमोबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन अमीबा के अंदर क्या होते हैं

कन्वर्ट हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में क्या हो जाते हैं डिफ्यूज हो जाते हैं रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द वो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सरफेस के ऊपर आता है और वापस बाहर निकाल दिया जाता है इन पैरामीशियम ये बात आपने किसकी की अमोलबा की इधर डायग्राम है अभी अपन देखेंगे इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं द सेल्स हैज ए डेफिनेट सेफ लेकिन उसकी एक डेफिनेट सेप होती है फूड इज टेकन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट होती है माउथ जैसी स्ट्रक्चर होती है माउथ नहीं होता है बट माउथ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रजेंट और उसी स्ट्रक्चर से वो फूड लेता है फूड इज मूव टू द स्पॉट बाई द मूवमेंट ऑफ सीलिया पूरी बॉडी आपको पता होती है इसके स्लीफर सेप्स होती है ना पूरी बॉडी सीलिया से कवर होती है है ना विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल और सीलिया का मूवमेंट होता है तो फूड क्या होता है बॉडी के अंदर चला जाता है यानी दो अपनी चीज़ पड़ी दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फूड पार्टिकल्स दिख रहा है आपको ना? है ना ये फूड पार्टिकल्स है इधर न्यूक्लियस दिख रहा है ये इरेगुलर शेप होती है अमीबा की सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं जो सूडो फूड हैं वो इसको क्या करेगी फ्यूज करेगी इसके साथ चारू तरफ आएगी और इसको इधर से पैक कर देगी और ये वेक्युल्स बना लेगी फूड वेक्यूल्स बन जाएगी फूड वैक्यल्स में अंदर क्या होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको डिवाइड करके कम ब्रेक uh, डाउन करके सिंपला वर्म में कर देंगी और उसको साइटो में डिफ्यूज़ कर देंगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल देंगी ये डायग्राम के साथ अपने समझाया सारी चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट डायग्राम है एन की बुक के अंदर और एग्ज़ाम में आने वाला भी है ट्वेंटी अब ट्वेंटी वन की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है न्यूट्रिशन इन अमीबा डायग्राम अच्छे से बनाएं तैयार करें अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग स्टेप्स अपने पढ़ी है की अपन बात कर रहे थे तो पैरामीशियम के अंदर क्या होता है स्लीपर जैसी स्ट्रक्चर होती है एक माउथ जैसी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है एक तो फिर सेफ इसकी क्या होती है फिक्स होती है माउथ तो नहीं होता लेकिन माउथ जैसी स्ट्रक्चर होती है वहाँ वो फूट जाता है और फिर सीलिया का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के थ्रू वो बॉडी के अंदर चला जाता है फिर उसका वहाँ पर डाइजेशन हो जाता है ये न्यूट्रिश अपने पढ़ा अमीबा और पैरामीशियम के अंदर अब नेक्स्ट सेक्शन जो अपना आ रहा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग मुझे लगता है इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनना चाहिए जिसमें सिर्फ अपन और सिर्फ न्यूट्रिशन है वो ह्यूमन बींग के अंदर स्टडी करें क्योंकि ये बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा और इसमें अपन को ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ने वाला है सिर्फ तो इसमें अपन डायग्राम देखेंगे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसेसरी ग्लैंड फिर इन सब की अपन स्ट्रक्चर देखेंगे और इनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है तो अपन अगले आने वाली वीडियो के अंदर अपन इसको देखने वाले हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें अच्छे से सुने ध्यान से समझें नोट्स बनाएं डायग्राम बनाएं क्लियर कट कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें ताकि जब आपको असाइनमेंट का टाइम आए तो आपको डाउट्स के अंदर ये नहीं डालना पड़े कि, कि ये पार्ट जो होता है वो क्या होता है फिर भी मैं आपका स्वागत करता हूँ वेलकम करता हूँ आपको यदि कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है आप डाउट सेक्शन में डालिए मैं आपका इसको जवाब दूंगा या कमेंट बॉक्स में डालिए जहाँ भी आपको सूटेबल लगता है थैंक यू जय हिंद जय भारत